और सुप्रीम सोल बाप शिव को संग कारंग नहीं, क्योंकि सारा भोगता है और एक अभोगता है। सबको अपना रस लेना पड़ता है। मतलब पहले जन्म में उनका अपना रस नहीं होता है, लेकिन संग के रंग में आते हैं तो देह से मोह लग जाता है। देह का संग का रंग लग जाता है, देवहान आ जाता है। और शिव को कोई भी देहदारी के संग का रंग नहीं लगता है। कोई पूछे इस बात का क्या प्रूफ? कि शिव को संग का रंग नहीं लगता और सार मनुष्य आत्मा को संग का रंग लगता है। अरे कोई प्रूफ होगा? कोई प्रूफ बुद्धि में नहीं आता। नहीं, वो आ जाएगा तो किसी का कौन करेगा? अरे प्रूफ चाहिए कि उसको संग का रंग नहीं लगता, इसका क्या प्रूफ? और सब मनुष्य मात्र को संग का रंग लगता है। शिवलिंग जो है, जो यादगार बनी हुई है, वो जलाधारी में, भारतवर्ष में और विदेशों में भी वो शिवलिंग दिखाया हुआ है। भगवान जब भगवान बनकर इस धरती पर आता है तो उसकी यादगार लिंग के रूप में दिखाई जाती है। देवताओं को कमल नयन, कमल पाद, कमल हस्त, कमल मुख, इस रूप में गायन और पूजन होता है। और भगवान का पूजन लिंग रूप में होता है, जो कामेंद्रिय का सूचक है। कामेंद्रिय कामेंद्रिय के संग में आते हुए भी उसे संग का रंग नहीं लगता। औरों को लगता है। जब वो संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है तो संसार में हीरे के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। हीरा अर्थात हीरो पाठधारी, तब तक उसे कोई हीरो नहीं मानता। और जब हीरो पाठधारी को पहचान लेती है दुनिया तो उसका यादगार कायम हो जाता है। 5000 वर्ष पुरानी लिंग मूर्तियां अभी भी मिल रही हैं। और सब मूर्तियां अर्वाचीन है फिर भी, और लिंग मूर्तियां सबसे प्राचीन मानी जाती है। तो जरूर ऐसा कड़क से कड़क कोई पत्थर है जो विनाश के पीरियड में भी पूरा विनाश को नहीं पाता। और द्वापर युग में वो बाहर आ जाता है और उसको पूजने लगते हैं।
इसलिए लिंग को कई रूपों में पूजा जाता रहा। लिंग साकार की यादगार है, जैसे सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर का लिंग था और उसमें सफेद हीरा जुड़ा हुआ था। वो हीरा कहो, बिंदु कहो, स्टार कहो, वो शिव की यादगार है। इसलिए लिंग को अनेक रूपों में पूजा जाता है। स्वर्ण लिंग, रजत लिंग चांदी का, ताम्र लिंग लौह या पत्थर लिंग, माना वो आत्मा जिसमें वो स्टार प्रवेश करता है वो पत्थर बुद्धि भी बनती है। कोई बात नहीं, और हीरा भी बनती है, इसलिए हीरे का लिंग भी गाया हुआ है। तो जो धर्म पिताएं प्रवेश करती है, बाबा उत्तर भारत में दो लिंग बहुत तेजी से पूजा जाता है। एक है पारस का लिंग, हरिद्वार में है बहुत जगह, दूसरा है फटिक का लिंग। वो क्या है? फटिक पत्थर जो होता है ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंट, वो ठंडक देता है। बाबा कहते हैं योग बल से तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। तो वही यादगार अमरनाथ में दिखाई जाती है। बाकी कोई बर्फ का लिंग होता नहीं है, वो पोल पत्ती मुरलियों में ही खोल दिए कि कोई ब्राह्मण बच्चा सवेरे सवेरे जाता था और बर्फ का लिंग बनाकर आ जाता था। अरे अभी केस चल रहा है बाबा, इसके ऊपर तो चल रहा है, कागज में आ रहा है वो केस बेस तो दुनिया वाले बनाते हैं। एक जगह केस चला देंगे जहाँ द्रौपदी कुंड बना और दूसरी दूसरी यादगारें बनी वहाँ केस चला दे सब जगह। जहाँ जहाँ यादगारें बनी हुई है झूठी वहाँ सब जगह केस चला दे। ये यादगारें तो सब मनुष्य की बनाई हुई है ना, उनमें वो सच्चाई तो नहीं है, ओरिजिनलिटी तो नहीं है, यादगार वो तो डुप्लीकेट चीजें बनाई हुई है। तो ब्राह्मण बच्चा जाकर के अमृत बेले वो बर्फ का लिंग बनाए देता है। बाबा तो बेहद में बोलते हैं कि हद में है, बेहद में क्या बात है तू? मानो कोई ब्राह्मण बच्चा है जो संगम युगी दुनिया में पहले पहले लिंग शीतल बर्फ का बनाए देता है, जिसको नकल करते हैं आज के नागा बाबा। क्या करते हैं? जो जैन मुनि होते हैं वो भी नकल करते हैं, नंगे रहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो सब दवाइयां खाते हैं। और यहाँ कौन सी दवाई है? यहाँ है ज्ञान योग बल की दवाई। और बाबा ओ त्रेता के अंत तक 10 करोड़ आत्मा के निकल गए, लेकिन बाकी ये 23 को 23 करोड़ 23 को वो जो निकल के है 33 तक अंदर, तो आउट ऑफ 33 करोड़ 23 जो आते हैं वो एक जन को सदगति तो मिलती है, लेकिन बाकी जो 500 करोड़ वो भी सदगति मिलती है। लेकिन फर्क क्या है 23 करोड़ और 500 करोड़ के? बाहर की दुनिया में जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं ईश्वर का ज्ञान वो सुनेंगी ज्यादा
या जो देवात्माएं हैं वो ज्यादा ईश्वरीय ज्ञान सुनेंगी, तो जो ज्यादा सुनेंगी वो ज्यादा समझेंगी भी, समझेंगी तो जीवन में फॉलो भी करेंगी। तो जिन्होंने श्रीमत का जितना ज्यादा फॉलो किया, बाप के ऊपर जितना ज्यादा निश्चय किया, उतना उनको सुख मिल जाता है। और जो धर्मों को, धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले हैं 33 करोड़ के अलावा, वो बाप को पूरा पहचानते ही नहीं। जब पहचानते ही नहीं तो पूरा फॉलो भी नहीं कर सकते, तो सुख उन्हें कहाँ से मिलेगा जाते। इसलिए बोला तुम्हारा आधा सुख और आधा दुख है इस सच्चे की रंगमंच पर। और उन धर्म पिताओं और उनको फॉलोअर्स करने वालों, फॉलो करने वालों का नहीं, तुम्हारा पौना हिस्सा सुख है और चौथाई हिस्सा दुख है रंगमंच में, और उन धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स का आधा सुख और आधा दुख है, तो तुम फायदे में रहते हो। अंतर पता चला कि वो भी ऊपर से प्रवेश करते हैं और 23 करोड़ भी ऊपर से आते हैं, कोई न कोई में प्रवेश करते हैं, लेकिन जो और धर्म के हैं वो कम सुख भोगते हैं, और जो देवता धर्म के हैं वो ज्यादा सुख भोगते हैं। हम लोग जानते हैं इब्राहिम ने काम भी कर ले आया था, लेकिन परमधाम से नहीं, लेकिन जब कहाँ से ले आया था काम विकास? दावत से ले आया था, दावत परमधाम से लाया था क्या? नहीं, प्रवेश करके, तब प्रवेश करके लाया, संगम दुर्गी से तो ले। नहीं, ऐसे कहो, इब्राहिम जब प्रवेश करता है तो जिसमें प्रवेश करता है वो सबसे दुनिया की पतित आत्मा बन जाती है। क्या दुनिया में सबसे ज्यादा पतन कौन से विकार से होता है? काम विकार। और इस्लाम धर्म काम विकार में अग्रणी। हाँ, तो जो इस्लाम धर्म में आकर के जो आत्मा गिरती है पहले पहले, जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है, तो वो इतनी जल्दी पतित कैसे हो जाती? और नहीं, धर्म वो देवता इतने पतित नहीं बनते, और वो द्वापर युग के पहले ही जन्म में पतित बन जाती, उसके संगी साथी सारे ही पतित बनते हैं। जिनमें इब्राहिम के फॉलोअर्स ऊपर से नीचे उतरने वाली आत्माएं प्रवेश करती है, तो वो इतनी जल्दी पतित क्यों बनती? बाबा पूरी होने दो, क्योंकि भले वो कामेंद्रियों का सुख नहीं द्वापर जो प्रतिपुत्रता में लेते रहे, फिर भी जो ज्ञानेन्द्रियां हैं उनका सुख भोगने की उनकी तीव्रता ज्यादा होती है। चाहे ज्ञानेन्द्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, पतन तो जरूर होगा। ज्ञानेन्द्रियों से पतन होने की लिमिट थोड़ी होती है, और कर्मेंद्रियों से पतित बनने की तीव्रता ज्यादा होती है। सत्य को त्रेता में वो जो नीचे गिरती है आत्मा इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली, तो उसका भी मूल कारण यही है कि संगम युग में जब वो ब्राह्मण बनती है और तराप लगाई जाती है कि पवित्र रहना है, ब्राह्मणों के संग में रहना पड़ता है, तो कर्मेंद्रियों का तो
पतन रोक लिया जाता है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों का पतन नहीं रोक पाता। मुरलियों में कहीं नहीं बोला है कि कन्या माताएं बैठ करके पुरुषों को दस्ती दान दे, और जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं होती हैं उनकी बुद्धि में भी ये बात नहीं आती, लेकिन इस्लाम धर्म की आत्मा जब कर्मेंद्रियों से पतन बलात् रोक दिया जाता है तो वो आंखों से पतन होना शुरू कर देते हैं। ये उनकी बुद्धि की उपाधि है कि दृष्टि का लेन देन करना यही योग है, और सरेआम आज जो भी है तथा कथित ब्राह्मण वो दृष्टि का लेन देन करते जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि आंखें सबसे जाती धोखा देने वाली है, सबसे जाती पतित भी आंखों से बनते हैं और सबसे जाती पावन भी आंखों से बनते हैं, लेकिन भगवान की आंख से पावन बनते हैं और मनुष्यों की दृष्टि से पतित बनते हैं। दुनिया साहब आपने कितने बड़ा दुनिया साथी चार अवस्था से गुजरती होगा, दुनिया का साथी चार अवस्था से गुजरती है। हाँ जी, कृष्ण आपने बोला है कि काम विकार कलयुग के अंत में ऐसा काम विकार होता है कि नीचे आशा पूर्ण नहीं करने से गोली मार देते हैं, हुआ तो सतो प्रधान सतो समान रजों से कैसा काम होता है सर? गोली नहीं मारते होंगे, नहीं मारपीट के छोड़ देते होंगे, इतनी बात नहीं समझ में आती, उससे पहले लाल लाल आगे करके छोड़ देते होंगे, कुछ उल्टा पलटा गाली दे करके छोड़ देते होंगे, तमो प्रधान होने से गोली भी मार देते, इतना नहीं समझ आ रहा है। जय भाई बाबा की राधा कृष्ण टाइम एक एक सामने सामने जो दृष्टि होता राधे सबसे प्रधान दृष्टि नहीं होती है, वो काम को दृष्टि नहीं होती, वो इसने ऐसी दृष्टि कहेंगे, रूहानियत की दृष्टि कहेंगे, क्या? हाँ जी बाबा, ठाकुर से चौदह रत्न मिला, ठाकुर से चौदह रत्न मिला, उसका विवाद क्या होता है? सागर से चौदह रत्न मिला, तो विरोध में क्या पूछना चाहते हैं? अभी ज्ञान रत्न मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं भांति भांति के? चौदह रत्न बोला, हाँ चौदह रत्न, उनको चौदह स्वरूपों में बांट दिया गया है, लक्ष्मी वो भी एक रत्न बता दिया, जिसके कारण आज पुरुष जो है ये समझते हैं कि स्त्री भोग की वस्तु है, कोई रत्न है क्या? रत्न है कि नहीं? जो विजय माला की हैड निकलेगी वो भी चंद्रवंश की मुखिया होगी कि नहीं है? होगी, तो रत्न हुई ना। ऐसे ही इस्लाम धर्म का जो ग्रुप है उसका जो मुखिया होगा वो भी रतन होगा कि नहीं? ऐसे ऐसे करके अनेक प्रकार के उन्होंने वर्ग कर दिए। हाँ, हाथ की रतन दिखा दिया, अब बाबा ने तो बता दिया, तुम बच्चों में पुरुषार्थ करने वालों में कोई हाथी रूपी महारथी भी है, एक घोड़ा भी दिखा दिया है, दिखाया कि नहीं है? एक घोड़ा रतन भी तो निकला, उच्चैःप्रभा का नाम है उसका, उच्चैःप्रभा घोड़ा, तो घोड़ा भी कौन है?
वो जड़ रतन है या चैतन्य रतन की बात है? तुम बच्चे ही कोई हो जो घोड़े की तरह पुरुषार्थ करने वाले हो, अभी अभी बहुत ऊंचा आगे आगे का पुरुषार्थ करते हो। घोड़ा जब लड़ाई होती है तो अभी अभी मैदान में आगे बढ़ जाता है, जरूरत पड़ती है तो फटाक से पीछे चला जाता है। और हाथी ऐसा, हाथी रूपी महारथी ऐसा नहीं कर सकते। बढ़ गए तो बढ़ गए, और पीछे हट गए तो पीछे हट गए। बाबा रिजरेक्शन और रीइंकार्नेशन, रिजरेक्शन कहते हैं रिजरेक्शन, और जैसा का ना रिजरेक्शन होता है, और जो जैसा का जब खून हो गया मृत्यु हो गया उसको बाद बोले रिजरेक्शन, एक सप्ताह का बाद, सात दिन का बाद रिजरेक्शन, वो प्रोजेक्ट करते रिजरेक्शन कहते हैं। बताओ कोई अंग्रेजी जानने वाला, ये रिजरेक्शन क्या? पुनरुत्थान, पुनरुत्थान कहते हैं, पुनरुत्थान कहता है। बाबा दोबारा जन्म लेगा ऐसा कुछ, वो जेसस के अंदर प्रवेश करके वो बहुत बढ़ता देते हैं, ऐसा क्राइस्ट जेसस क्राइस्ट में ऐसा होता है। क्राइस्ट समय में पहले का नाम है शरीर का जीसस, और जब आत्मा प्रवेश कर जाती है तो नाम बदल के हो जाता है क्राइस्ट। हाँ जी, उसको मृत्यु के बाद एक हफ्ते का बाद वो शरीर पुनरुत्थान होता है, उसके बाद तो उद्धार होता है। ये बात आपने सिर्फ किताबों में पढ़ी या मुरलियों में बताई? काहे के लिए माथा खराब करते हो? रीइंकार्नेशन है ना बाबा जो बात है, क्यों माथा खराब करते हो? सारा क्या है? अरे वो बात कच्ची है, झूठी है, इसका कोई प्रूफ है? हाँ जी, लक्ष्मी साहब आएगी तब ज्ञान का बढ़ावा होगा, तब शिव वो जब आएगा तब ज्ञान के वो अलग ज्ञान सुनाएगा ना, यही ज्ञान सुनाएगा, इतना बढ़ावा होगा ज्ञान का। मुरलियाँ कम नहीं पढ़ो, ज्यादा मुरलियाँ सुनो। मुरली में बोला है लक्ष्मी धन कहाँ से लावेगी? लक्ष्मी से धन मांगते हैं, मांगते हैं ना, लेकिन लक्ष्मी धन कहाँ से लावेगी? लक्ष्मी तो ग्रह लक्ष्मी कही जाती है, जो भी भगवान का घर परिवार है उसकी लक्ष्मी है ना, नारायण की लक्ष्मी है ना, वो धन कहाँ से लावेगी? नारायण से लावेगी, तो देने वाला कौन हुआ? तो नहीं समझ में आता है कि वो अपना ज्ञान सुनाएगी या नारायण का सुनाया हुआ सुनाएगी? सुनाएगी, लेकिन बोल रहा है कि बाबा जब ज्ञान सुनाए तो इतना बढ़वा नहीं होगा जो ज्ञान में आ रहा है अभी। लेकिन बाबा अभी भी कहते हैं कि जो ज्ञान भगवान सुनाते हैं उस ज्ञान को कन्याएं माताओं के मुख से सुनाना अच्छा लगता है, या दुर्योधन दुशासन के मुख से सुनाना अच्छा लगता है? ये बात तुम साबित करना चाहते थे, वो तो पहले ही बता दिया, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो सारे ही दुर्योधन दुशासन, साबित करने की तो बात ही खत्म हो गई। बहुत खुशी आ रही है। अच्छा बाबा, तुम सुन तो रामचंद्र जी को पता नहीं उठाना तो भय कहेंगे रामचंद्र जी को? हाँ, है पता नहीं क्यों उठाता लगे। हाँ, रामचंद्र जी के क्यों लगे? अरे रावण के साथ कोई हिसाब किताब होगा? बिना हिसाब किताब कैसे ले जावे वो पाताल? हाँ जी बाबा, काबा के साथ माउंट आबू ये मिल दिखाते हैं काबा, काबा के साथ माउंट आबू, मुनि ने सुना है काबा, काबा जैसे होता है उसमें अभी माउंट आबू दिखाते हैं, तो असेंबल होता है वहाँ पर, तो काबा का मीनिंग क्या है, बृहत का अर्थ क्या है काबा? जब रिजल्ट निकलता है, जब आखिरी में रिजल्ट निकलता है ना, तो जो इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं जो अपने धर्म की बड़ी पक्की है कट्टर है क्या, और रिजल्ट किसके पक्ष में निकलता है, कौन से धर्म के पक्ष में रिजल्ट निकलता है? देवी देवता सनातन धर्म के पक्ष में,
ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले रीति रीति को रिवाज को मानने वाले हैं, उनको जब पता चलता है कि यज्ञ के आदि में जो छोड़ के चले गए थे वो और उनके फॉलोअर्स वो बाजी मार ले गए और हम तो पूरे फेल हो गए। ताबा, ये क्या हुआ? तो वो शब्द बिगड़ के हो गया काबा। ताजिया है ना, मुसलमानों के ताजिया होते हैं, बहुत ऊंचा उठाते हैं, बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, बहुत दिखावा करते हैं। जैसे आजकल बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मेले मेला खड़े करते हैं, मेगा प्रोग्राम करते हैं, तो बहुत ऊंचे उठाते हैं। क्या उनका नाम क्या रखा है? ताज है। क्या ये हमारा ताज है? जैसे गणेश जी है, देवियां हैं, इनकी पूजा करने के बाद क्या करते हैं? इनको समंदर में ले जाके डुबो देते हैं। ऐसे वो भी ताजिया बहुत ऊंचे उठाते चले जाते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं? डुबो देते हैं। ताजी यादगार ब्राह्मणों की संग भी दुनिया की यादगार है कि अभी चाहे जितने ऊंचे उठाते चले गए आखिरी क्या होगा? डूबी जा डूबी जा डूबी जा। बाबा बोलते हैं मैं कामी से कामी काटा में आता हूँ थोड़ा। तो बाबा आपने तो लोची में कोई शादी नहीं की, वैसे कामी कामी काटा कहते हैं बाबा। बाबा कहते हैं ये जो पढ़ाई पढ़ते हैं ना लौकिक पढ़ाई, इसको कौन सी पढ़ाई बताया है? जागली पढ़ाई, बच्चा जानता नहीं है। आज की पढ़ाई को जागली पढ़ाई बाबा ने क्यों बोला? और ईश्वरीय पढ़ाई को वाटली पढ़ाई बोला, क्यों बोला? अरे कुछ रिजल्ट निकलता होगा ना वो पढ़ाई पढ़ने के बाद। क्या रिजल्ट निकलता है? दागली पढ़ाई से बनते हैं डॉग एंड बेचिस, कुत्ता कुतिया, विचार करने वाले। तो ये तुमने कैसे पक्का कर लिया कि बीए एमए पीएचडी करने वाले सब दूध के धोए होते हैं? पक्का कर लिया? नहीं वो नहीं पूछता हूँ। हम बताया ना तुमको, बाबा ने तो यही परिभाषा दी है, विकार में जाना माना शादी। मुरली में परिभाषा क्या दी है शादी की? विकार में जाना माना शादी के ढोल मदिरा बजाना शादी। समझ में आ गया? आ गया, बहुत अच्छा। बाबा भगवान विश्व जुड़ भगवान भोगनार के मीनिंग क्या? प्रभु भोगनार 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 का मीनिंग क्या? भोगनार माने जो होना है, जो होना है तो होने वाला बना, माना भोगनार। अच्छाई के लिए बोला जाता है, पॉजिटिव अर्थ में। भोगनार बच्चा है माने कुछ बड़ा बन करके दिखाने वाला है। हाँ जी बाबा, सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आए, फिर उल्टी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, यह मतलब? सीढ़ी उतरते उतरते हाँ नीचे आए, फिर उल्टी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। हाँ, काम विकार भोगने से बुद्धि नीचे गिरती है या ऊपर उठती है? उसी को बोलने दो ना, नहीं जानता हो तो पता चले। है काम विकार भोगने के बाद बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाता है या बना रहता है? उड़ जाता है। उड़ जाता है तो नीचे गिरा या ऊपर उठा? नीचे गिरा, गिर गया ना। और अगर ब्रह्मचर्य का पालन करता रहे और ज्ञान सुनता रहे, दूसरों की सेवा करता रहे, निर्गुण धारण करता रहे, शुद्ध अन्न खाता रहे, ब्राह्मणों का संग करता रहे, तो ऊंचा उठेगा या नीचे गिरेगा? बुद्धि से उठेगा। उठेगा तो
तो चरती कला होगी नहीं, चरती कला होगी ना? अरे होगी, जैसे पूरी है घी में डाली जाती है तो थोड़ा समय नीचे पड़ी रहती है, पड़ी रहती है ना, तो जब पक जाती है तो ऊपर आ जाती है। ऐसे ही हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कच्ची पूरी है ना? अभी योगाग्नि के घृत में पड़े हुए, जब पूरी पक जाएगी तो एक सेकंड में ऊपर आ जाएगी, तो एक सेकंड में हमारी चर्ची कला हो जाएगी। अभी अभी गिरती कला है, चर्ती कला है, गिरती ज्यादा है, चर्ती कम है, फिर नंबर बार भी है। कोई ऐसे पुरुषार्थी भी बताए हैं अतिवाणी में कि जितना ज्यादा माया का प्रकोप होता है, माया के ज्यादा विघ्न आते हैं, उतना उनका ज्यादा पुरुषार्थ तीखा हो जाता है। जैसे सांप होता है ना, तो और जीव जंतु नदी की धारा में धारा के साथ बहते जाते हैं नीचे, और सांप में ये खासियत होती है कि वो चाहे तो धारा का काट करके ऊपर भी चल सकता है। ये किसके संग का रंग आया, ये किसके संग का रंग का प्रभाव आया सांप के अंदर हैं? नहीं, ये शंकर जी से लिपटे रहते हैं तो उनमें ये ताकत आ जाती है कि नदी की पूरी धारा भले नीचे बह रही है लेकिन वो ऊंचे करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। और आत्मा और शरीर की जोड़ी है क्या? आत्मा और शरीर की जोड़ी है या नहीं? शरीर बिना आत्मा के कार्य नहीं करेगा और आत्मा बिना शरीर के कार्य नहीं करेगा। स्त्री बना पुरुष के सृष्टि का निर्माण नहीं करेगी और पुरुष बिना स्त्री के सृष्टि का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो युगल जोड़ी है काहे काहे की, आत्मा और शरीर की। इनमें पुरुष कौन है, चलाने वाला कौन है और चलने वाली कौन है? पांच तत्वों का बना हुआ जो पुतला है वो स्त्री रूप हो गया और जो आत्मा है वो पुरुष रूप हो गया। तो ये ना कहो जो माता और पिता दोनों बनता है क्या, वो सिर्फ साजन बनता है, सजनी सजनी नहीं बनता है। बाबा चलो गुम्बा को माता कहते हैं? हाँ बोलो। गुम्बा को जो माता कहते हैं, शंकर को जो बाप कहते हैं, है ना, इनमें क्या तफावत है? फर्क नहीं है। ब्रह्मा कौन सा ब्रह्मा की बात कर रहे थे? दाढ़ी मूंछ वाले की? दाढ़ी मूंछ वाले के जो गुम्बा होता है, जो माँ का पाठ बजाया था, वो आत्मा को माँ तो है? माँ नहीं है संपूर्ण। अगर माँ होती तो कन्या माताओं की संभाल के लिए सरस्वती को निमित्त न बनाया जाता, इसलिए संपूर्ण माँ नहीं है। माँ तो है, सहन शक्ति रही आत्मा के अंदर, वो भी परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, इसलिए सहन शक्ति का पाठ किसने बजाया है? शिव बाप ने तुम्हें व माता का पाठ बजाया। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा वाली आत्मा ने नहीं बजाया, लेकिन वही आत्मा जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करती है तो जगदम्बा का पाठ बजाया। इसलिए मुरली में बोला है वास्तव में जगदम्बा यह तुम्हारी ब्रह्मा है, ब्रह्मा यह वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु कर्ण पुरुष का है, इसलिए
कन्या माताओं की संभाल के लिए इसको निमित्त कैसे रखा जावे? इसलिए सरस्वती को निमित्त बनाया हुआ है कार्यवाहक। बाकी सरस्वती उस जन्म में जगदम्बा नहीं है, असली जगदम्बा तो ये ब्रह्मा है, लेकिन कब बनेगा ब्रह्मा जगदम्बा? उस चोले से, जब उसी दूसरे चोले में, माता के चोले में प्रवेश तब बनता है जगदम्बा, तब उसकी पूजा होती है। ब्रह्मा के रूप की दाढ़ी मूंछ वाले की पूजा नहीं होती है जगदम्बा की। आत्मा का नहीं हो सकता, आत्मा का तो सिर्फ बाप ही होता है, आत्मा बच्चे बच्चियां भी नहीं, समझाया ना? आत्मा क्या है, पुरुष है कि स्त्री है? आत्मा है सब पुरुष रूप, क्योंकि शरीर रूपी चोले को कंट्रोल करती है। शरीर माना प्रकृति का 5 तत्वों का पुतला, प्रकृति माना माता और आत्मा माना पुरुष, और जो शिव है वो सदैव पुरुष है, परम पुरुष है। तुम सब सीता हो, मैं थोड़ी सीता हूँ। तुम रावण की जेल में जाके रावण की चंबे में आती होगी, मैं थोड़ा ही आता हूँ कि मैं भी आता हूँ। मुस्लिम क्या बोला? तुम सब सीता हो, राम एक है, तो त्यागीन हो गई ना। एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, सुनते हैं प्रदर्शनी में आए, सुना सुनने के लिए आए, लेकिन कोई कोई सुनने के लिए नहीं आते हैं। देखते हैं कि हाँ संजय माता है, समझा रही है, चलो देख लिया आंखें सेक लिया जाके, तो जो आंखें सेकने की दृष्टि से आएंगे वो तुम्हारा ज्ञान सुनेंगे या आंखें सेकेंगे? वो मेले में रखने किस लिए जाते हैं? वो सुनने भी नहीं जाते, वो घर में आवेंगे, प्रजावन में आवेंगे, नहीं आवेंगे बाबा। हाँ मेरी क्यों माता, मेरी जैसा का जो माँ है तो मेरी कुमारी दिखाते हैं, एक मुनि में आया है, मुनि में आया है, कुमारी दिखाते हैं, लेकिन कौन दिखाते हैं, दिखाने वाले कौन? अरे ये भी बताया कि दिखाने वाले कौन है, किताब जिन्होंने लिखी है वही ना, तो झूठे हैं सच्चे? लेकिन किताबें लिखने वाले सब झूठ सच्च उसमें लिखा हुआ है, उनकी बात पर विश्वास नहीं करना। लेकिन साइंटिस्ट सब और कृष्ण को राशि मिलाते हैं तो जेसस का कोई परिवार है, जेसस के परिवार था इसीलिए तो कोई परिवार था, उसके माँ बाप भी थे, लेकिन क्योंकि क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम धर्म इनमें वैश्यवृत्ति ज्यादा पनपती है इसलिए पता नहीं लगता क्या इसका बाप कौन था, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी जो कुमारी से क्राइस्ट का जन्म हुआ। ऐसे होता है क्या? है भगवान को पास प्रयास करते हैं कि भगवान को पास प्रयास करते हैं, प्रयास करता है, प्रार्थना प्रार्थना करता है कि ये लोग मतलब कृष्ण जी को पूछते हैं उसको खोना खोलो।
उसको माफ कर दे। आप अपनी बंगाली बोल दीजिए जल्दी से, क्षमा कर दो, इस लोग का क्षमा कर दो, ऐसा बोला। जिले में दिया ना उसके समाज रास्ता छोड़ता है, सनी छोड़ता है, उसके बाद बोला इसको क्षमा कर दो, भगवान से क्षमा कर, जानते नहीं क्या करते हैं। लड़की की बात थी ना, क्राइस्ट को जो क्रॉस पर चढ़ाया वो भी थी प्योरिटी की बात, उसमें जो प्योरिटी की पावर थी जिसकी वजह से कन्या माता है उसके पीछे भाग रही थी। अब पुरुषों को तो ये सहन नहीं होता है, उन्होंने उल्टी बात समझ ली, इसलिए उसको क्राफ्ट चढ़ाया गया। ये तो प्रश्न है कि जो जो फूल बोलते हैं किसी किस्त को तो उसको कैसा, अपनी बांग्लाय बोलू ना, हमारा बोलो ना, अपनी बांग्लाय बोलू, बंगाली में बात बोल दीजिए, अभी बांग्लाय बोलो ना, उसको तो सर क्रूज लगा है तब तो उसको दर्द नहीं हुआ, तो उसको क्यों ये बात बोला है, जो उसको खबर बोला ना, कोई तो सही है में पवित्रता भरी हुई है, वो पवित्र बात ही बोलेगा या पवित्र बात बोलेगा, सर। लेकिन मूली में आया बाबा ये क्राइस्ट का कोई दर्द नहीं होता, जिस शरीर में आया है क्राइस्ट का, क्राइस्ट चले चले जाते हैं, क्राइस्ट से चले जाते, वो तो आत्मा है, मन उपास है, धर्मात्मा है, ये नहीं बोला है, इतना बोला है कि जो आत्मा प्रवेश करने योग्य होती है वो सुख नहीं भोगती है। महाराज जब उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया तो जीसस को चढ़ाया गया, जीसस को दुख हुआ लेकिन क्राइस्ट को दुख नहीं होता है, क्राइस्ट की चोट दुख नहीं भोगती। तो बाबा जेसस कौन है बाबा, ये संगम युग में जेसस कौन होता है, जैसे वो ही नारायण हुआ जो अभी चित्र बना रहा है, ढेर सारे प्रदर्शनी दिखा रहा है, बहुत धन संपत्ति का स्वामी है, आज दुनिया में कौन सा धर्म है जो सारी दुनिया की धन संपत्ति उस धर्म के पास इकट्ठी हुई पड़ी है, क्रिश्चियन धर्म है ना, तो क्रिश्चियन धर्म का जो आधारभूत नारायण बनने वाली आत्मा होगी उसके पास ब्राह्मणों की दुनिया की सारी धन संपत्ति उसकी मुट्ठी में आई होगी, क्या कौन सा ट्रस्ट है, वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ट्रस्ट, और वो किसकी मुट्ठी में है, सारी शूटिंग तो यहाँ होती है ना। बाबा बात वर्ल्ड वॉर के साथ ये शूटिंग पीरियड के कोई लिंक है, 1936 में तो बाबा आया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो जो हुआ 1919 उसके बाद आपके बाद 21 तक, तो उसके साथ कोई लिंक है, वर्ल्ड वॉर का कनेक्शन एटम बम से है या बिना एटम बम बने वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो कोई एटॉमिक एनर्जी, सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वॉर फर्स्ट में तो हुआ ही नहीं, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, हम की बात कर रहे हैं, सक्सेस में एटम बम बनने की शुरुआत हुई, स्थापना के साथ साथ ये की कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई, तो जो ये की कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई उसी में बीज छुपा हुआ है सारी दुनिया के विनाश का, अगर उस समय ब्रह्मा और प्रजापिता में भेद न पड़ता और बच्चे उस भेद पैदा करने में सहयोगी न बनते तो विनाश भी नहीं होता, जो हीरो की मान नागासाकी में हुआ, हीरो की समा जल गई, नागासाकी भी जल गया, लेकिन का हिसाब किताब होता है ना, तो पूर्व जन्मों में भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है ना, कोई भक्ति करने जाते हैं तो भक्ति में दिल नहीं लगता, सारे दिन के थके हुए होते हैं तो भक्ति में भी सोना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ सूटिंग होती है।
तो ये कैसे है? बाबा ने बताया ना, एक छोटा सा ड्रापर रखो आँखों का, उसमें सरसों का तेल डाल के रखो शुद्ध, और जैसे ही नींद आना शुरू हो थोड़ा सा लिया नींद हो जाएगी। जब करते तो कोई है ही नहीं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल लेते हैं। होने दो ना, जलन अपनी जगह होती रहे, याद अपनी जगह करते रहो। नदी के प्रभाव से प्रभावित होने से प्रजा बन जाते हैं। या हमने कोई बात बोली या कोई काम किया, सच्चा ही काम किया, झूठा काम नहीं किया, अच्छा काम किया, लेकिन दूसरे ने हमें डांट लगा दी, ये तुमने बहुत गंदा काम कर दिया, बहुत पाप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और हम उससे प्रभावित हो गए, हमारी अवस्था खराब हो गई। भले हमने अच्छा काम किया लेकिन उसके कहने से हमने विश्वास कर लिया, तो हम उसकी प्रजा बन गई। आप पर्सनल बात नहीं पूछी है अभी, अभी ज्ञान की बात पूछी है। इब्राहिम की सोच जिसमें प्रवेश करती है उसका जन्म ज्यादा होता है, या महात्मा बुद्ध की सोच जिसमें प्रवेश करती है उसका जन्म ज्यादा हो जाता है उस समय? उस समय ज्यादा जन्म किसका हो जाता है? अरे महात्मा बुद्ध बाद में आता है 500 साल के बाद, तो उसके जन्म ज्यादा होंगे ना, और इब्राहिम द्वापर की शुरुआत में आ जाता है, उसके उसके 21 जन्म हुए होंगे, 20 जन्म। अरे बाबा, वो सेकेंड नारायण और थर्ड नारायण के हिसाब से पूछा, उसके 20 जन्म होते हैं, बौद्ध तो और बाद में आता है, तो उसके 19 जन्म होंगे। बाबा दत्तात्रेय का मीनिंग क्या है? दत्तात्रेय इसका मीनिंग क्या है? दत्त 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 माने दिया हुआ, त्रेय माने तीन का, जो तीन के द्वारा दिया हुआ है वो है दत्तात्रेय। यज्ञ के आदि में तीन कौन थे? कोई थे? कौन थे तीन? है दो माताएं और एक बाप, ये तीन थे ना, उन तीनों ने एक तो हार के चला गया, फेल हो गया लड़ाई में, और दो रह गई माताएं, तो जो हार के चला गया उसने भी कहा ले लो तुम अपना टाइटल ले लो, और जो दो रह गई उन्होंने टाइटल ले दिया ब्रह्मा का, किसको? दादा लेखराज। तो दादा लेखराज सबके गुणों को धारण करने वाला दत्तात्रेय हो गया। दत्तात्रेय का मुख्य गुण कौन सा था? सबके गुणों को धारण करता था, और पालता किसे था? नहीं, कुत्तों को पालता है। दत्तात्रेय के आस पास चारों तरफ कुत्ते दिखाए जाते, प्रजापिता भी ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए झगड़ा हो गया, वो चला गया और उन्होंने गोद में कुत्तों को बैठा लिया। और भक्ति के संस्कारों में से कोई संस्कार ऐसा 100% के स्टेज पर पहुंच जाता है तो ऐसे ही छोड़ना पड़ता है? बोलते हैं, बोलने से क्या होता है? बिना बाबा ने जो बात मुरली में बोली हुई है
वो तो पत्थर की लकीर होनी चाहिए ना, बाबा ने बोला है इनमें भक्ति के संस्कार रह जाते हैं, उनको फिर शरीर छोड़ना पड़ता है। तो उसके मतलब उनका एक ही साथ जन्म होगा, मैंने एक ही फोन का जन्म में तो जन्म किया है। कोई कोई के तीन तीन जन्म भी होते हैं, बोला है कि नहीं ए? बात खत्म। बाबा 1941-42 में सेवाफ्रम ज्ञान जगह से चले गए, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ कोई लिंक है? जिसका कभी रविंद्रनाथ टैगोर 41 में थोड़ी छोड़ा है उसके साथ कोई लिंक है? जिसको हो सकता है कोई लिंक, कोई बड़ी बात हो रही है। वो भी गर्म दल का, वो हद के गर्म दल का, वो बेहद के गर्म दल का, कौन या पिता भी गर्म दल का और सुभाष चंद्र बोस भी गर्म दल का और ब्रह्मा ठंडे दल के और गांधी जी भी नरम दल के। हाँ जी, हद और बेहद में बातें मिलनी चाहिए ना। वो भी बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर बाबा, हाँ रविंद्रनाथ टैगोर हद का था या बेहद का था? हद का था ना। क्या नाम था? रवि माने क्या? रवि माने सूर्य। सूर्यवंशियों का राजा कौन होता है? रविंद्र है? जो रविंद्र नाम है वो तो हद का हुआ, बेहद में भी कोई होगा ना, होगा कि नहीं होगा? वो भी बंगाली था और वो भी बेहद का भी बंगाली था, वो भी गर्म दल का था और वो भी गर्म दल का था और उसके अपोजिशन में गांधी जी थे नरम दल के और ब्रह्मा बाबा भी नरम दल के, ये कि नहीं? वो नरमाई से रामराजी लाना चाहते थे और वो गरमाई से रामराजी लाना चाहता था, झुक कर के नहीं लेना है, लड़के लेना है। वो जिस्मानी रविंद्र, ये रूहानी रविंद्र, उनकी थी खून की लड़ाई, स्थूल खून की, और इनकी है संकल्पों के खून की लड़ाई। वो भी लोप हो जाता है और ये भी है कि आज में लोप हो गया कि नहीं? अभी भी लोगों की मान्यता है क्या कि रविन्द्रनाथ है, वो रविन्द्रनाथ जो है वो इस दुनिया में अभी भी कहीं है और सुभाष चंद्र बोस भी कहीं सारा ही माउंट आबू खरीद करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है? जब परम धाम बनेगा तो कम से कम कितनी आत्माओं का संगठन होगा? 4.5 लाख के रहने के लिए स्थान नहीं चाहिए? अरे कुछ स्थान चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी वो स्थान है 4.5 लाख का है? और 4.5 लाख जो है वो ऐसे सितारे हैं दुनिया के ऊंचे से ऊंचे कि जिनके घर में मेहमान बहुत आएंगे बाहर की दुनिया के, तो उनको ठिकाने देने के लिए जगह चाहिए नहीं चाहिए? जिसके पास पैसा होगा तो खरीद करेगा। राम की सेना बंदरों की होती है, हर बात में बेहद का लगाएंगे।
भगवान का सीधा बोला है जमीन के खरीद करेगा पहाड़ का ऊपर माउंट का तो हाँ जी पहाड़ जो है वो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। मार्केट में दो तरह के पत्थर की सिल्लियां मिलती है, एक तो संगमरमर या ऐसा पत्थर संगमरमर, संग में मरमर के रहता है जैसे ब्रह्मा बाबा, और एक ग्रेनाइट पत्थर बहुत कड़क होता है। इतना कड़क पत्थर होता है कि जो साधारण विनाश होता रहेगा उसमें तो पिघलेगा ही नहीं। अभी तो वहाँ खरीद करने से बेसिक वाला मार मार के हटा देगा। अभी तो वहाँ खरीद करने से बेसिक वाला मार मार के हटा देगा। तुम्हें कैसा कौन है तुम वहाँ जाके खरीदो? ये ताकत हो मनसा की और तन की और धन की, वो वहाँ जाके खरीद। आपको डर लगता है तो मत खरीदो। क्यों धनंजय भाई धन की जय कैसे होगी? बैंक में पढ़ा रहने दो, बैंक में पैसे लगाने दो। डरने का बात क्या है, साथ में आए। डरने का बात क्या है, जिंदा हो तो साथ में आए। ऐसी बात क्यों बोलते हो? बाबा शक्ति भी लक्ष्मी नारायण के हाथ में मुरली का दिखाया जाता है, वो तो है राधा कृष्ण कुछ खेलेंगे कुछ बजाएंगे कि नहीं, वहाँ कुछ करेंगे या ऐसे ही बैठे रहेंगे तपस्वी बन के? तपस्वी भी यादगार है ना। हाँ वहाँ भी वाद्य यंत्र होंगे, हाँ जी हाँ जी वहाँ भी वाद्य यंत्र होंगे, वहाँ भी चित्रकारी करेंगे, वहाँ भी खेल पाल करेंगे, काम करेंगे। और